अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग आप लोग को देखेगा ये जो हमारा जो ड्राफ्ट पेन है, ठीक है। ड्राफ्ट पेन का पेन में एक वाल्व लगा हुआ है, ये फ्लो सर्फ का है, ठीक है। ये फ्लो सर्फ का है, इसका जो पोजिशनर का मॉडल नंबर है PMB डिजिटल पोजिशनर D3 मॉडल का है, ठीक है। ये एक्चुअली एक डंपर वाल्व है, ये डंपर वाल्व है, ठीक है। अभी इसका कैसे आपका लूप टेस्ट करता है और कैसे इसको कैलिब्रेशन करता है वो हम आप लोग को देखेंगे। एक्चुअली ये इसे कैलिब्रेशन करने के लिए हमारा यहाँ पे चार बटन दिया हुआ डिस्प्ले में, ठीक है। चार बटन है तो डिस्प्ले से हम इसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा और लूप टेस्ट भी आप यहाँ से मैनुअल करके यहाँ से आप कमांड देके बल्ब को ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एयर जो फेल एक्शन है, फेल एक्शन आप जहाँ पे रख के इसको फेल एक्शन करेगा वहाँ पे बल्ब होल्ड होगा, वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड एयर फेल पावर फेल लास्ट पोजीशन में, ठीक है। ऐसे दूसरा कंट्रोल बल्ब एयर फेल पावर फेल करते हैं तो क्लोज हो जाता है, नहीं तो ओपन हो जाता है, लेकिन ये होल्ड रहेगा। अब मान लीजिए आप 50 में बल्ब को एयर फेल किया, बल्ब 50 में ही रहेगा, ज़ीरो नहीं होगा, 100 में नहीं जाएगा। सेम इसका जो पावर फेल करेगा वो भी सेम है, आप 50 में रख के पावर फेल करेगा तो बल्ब 50 में ही रहेगा, 0 पे भी नहीं जाएगा और 100 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे इसका कैलिब्रेशन करता है वो हम आप लोग को देखेगा, ठीक है। ओके, अभी इस कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बटन दिया हुआ है एस्केप का, जाइए। उसके बाद पहले हम लोग को मोड आउट ऑफ सर्विस करना पड़ेगा। आउट ऑफ सर्विस में करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टेटस में। स्टेटस में जाने के बाद हम लोग ये फंक्शन का बटन इसके क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आउट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे इन सर्विस है, ठीक है। दो है, आउट ऑफ सर्विस और इन सर्विस। आउट ऑफ सर्विस करने के लिए हम लोग को आउट ऑफ सर्विस में इधर रख के फिर हमको और तो ओके क्लिक करके थोड़ा पकड़ कर रखना है 3 सेकेंड। अभी देखिए इनपुट एक्सेप्ट मीन, अभी फिर हम चेक करेगा हमारा स्टेटस अभी आउट ऑफ सर्विस में, ठीक है। तो आउट ऑफ सर्विस में रख के हम लोग को अभी इसको ऑटो कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर अभी हम बैक में जाएगा, दो क्लिक करना पड़ेगा इसके अपन फंक्शन दोनों। फिर हमको अभी ऊपर में जाना पड़ेगा कैलिब्रेशन में जाने के बाद फिर फंक्शन में क्लिक करने का फंक्शन। अभी देखिए ऑटो कैलिब्रेशन आया हुआ है। इसके बाद हमको ओके प्रेस करके रखना है, ओके करना है। ऑटो कैलिब्रेशन आया हुआ है, इसके बाद हमको फंक्शन में जाना है। फिर हमको स्टार्ट ट्यून में जाना है। ऑटो कैलिब्रेशन आने के बाद फिर फंक्शन में जाने के बाद फंक्शन क्लिक करेगा। उसके बाद हमको अभी स्टार्ट ट्यून आएगा, उसके बाद हमको ओके क्लिक करना है, ठीक है। लूज प्रिवेशन वैल्यू ओके, फिर ओके देना है। एक्चुएटर रोटलिंग ओके, फिर ये एक्चुएटर डबल एक्टिंग, हमारा ये डबल एक्टिंग क्या है, ये हमारा डबल एक्टिंग है, ठीक है, डबल एक्टिंग का वाल्व है। तो फिर इसके बाद हमको फिर ओके देना है। फिर रिवर्स में रखना है, ठीक है, ये डायरेक्शन रिवर्स में। इसके बाद हमको फिर ओके देना है। अभी देखिए ट्रैवल कैलिब्रेशन, अभी देखिए कि हमारा बल्ब अभी कैलिब्रेशन हो रहा है।
ठीक है। और अब बाल्ब अभी कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है, कैलिब्रेशन हो गया, अभी ज़ीरो पे ही है। तो फिर उसके बाद हमको बाल्ब कैलिब्रेशन हो गया, अभी देखिए एयर लीक डायरेक्ट, ओके, अभी हमारा बाल्ब ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोग अभी स्केप करना, क्या स्केप करना है, स्केप करना है, फिर उसके बाद हम लोग स्केप करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो हम आउट ऑफ सर्विस किया उसको इन सर्विस करना है, उसको इन सर्विस करने का स्टेटस में जाके फंक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद अभी अभी हम आउट ऑफ सर्विस में इसको इन सर्विस करना है, तो इसे क्लिक करके इन सर्विस आया हुआ, बाद में दबा कर रखने का 3 सेकेंड। उसके बाद अभी हमारा शुरू करने का, अभी देखिए हमारा वाला भी इन सर्विस में आ गया, कैसे फिर चेक करेगा हम लोग, फिर अभी फुल मेनू स्टार्ट स्टेटस में जाके फंक्शन में क्लिक करें, देखिए अभी इन सर्विस हो गया, ठीक है, इन सर्विस में। तो फिर इसके बाद हम अभी बैक में जाना है, ठीक है, बैक में हम चला गया, ओके। अभी हमारा बाल 50% है, अभी हम मैनुअल करके हम फील्ड से इसको ऑपरेट कर सकता है बटन से, ठीक है, वो अब हम आपको दिखाता हूँ। तो इसको फिर से करने के लिए आपको फिर स्केप में जाना है, आने के बाद अभी देखिए फुल मेनू मैनुअल ऑटो, उसके बाद आप फंक्शन में क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो बाल्ब अभी ऑटो में, ठीक है, ऑटो में सेट 50%। तो अभी हम इसको मैनुअल करेंगे, इसको क्लिक करके दबाने के, दबा कर रखने का, ओके क्लिक करके, अभी देखिए अभी हमारा अभी देखिए मैनुअल आ गया, ठीक है, अभी मैनुअल है। तो हम अभी यहाँ से हम अभी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अभी इसको दबाने का फंक्शन में जाके यहाँ से आप देखिए अभी हम इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है, ज़ीरो कर देता हूँ, अभी ज़ीरो है। तो अभी देखिए हमारा बल्ब अभी ज़ीरो में ही, अभी देखिए हमारा बल्ब अभी वहाँ पे ज़ीरो में, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी अगर 25% देगा तो फिर इसको फंक्शन में जाके फिर इसे क्लिक करके 25 देके, ओके अभी 25, अभी देखिए हमारा बाल अभी 25 में गया, बाल अभी 25 में, ठीक है, बाल अभी 25 में। फिर इसके बाद हम 50 देता हूँ, इसके बाद हम अभी 50 देगा, ठीक है, 50 देगा तो अभी हमारा बाल्ब देखिए अभी 50% में, वो ऊपर में हमारा स्केल लगा रहा है, ऊपर में स्केल, क्योंकि हम नीचे से आपको नहीं देखा पाता है, अभी स्केल हमारा 50 पे ही, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम अभी 75 देता हूँ, ओके क्लिक करना है। अभी देखिए हम आपको 75 में लगा भी 75, ओके, अभी देखिए बाल 75 में चला गया, ठीक है, यह से आपको देखा रहा है 100% देखा रहा है, लेकिन नहीं, बाल अभी 75%, ठीक है। अभी हम 50 आपको दिखाता हूँ, ये 100% दिखाता हूँ, 100% अभी 75 है, अभी हम 100 करता हूँ, ओके, देखिए अभी यहाँ पर 100 सेट किया, हमारा जो बंदा है वो अभी 100 में क्लिक करेगा, हम आपको दिखाएगा 100%, अभी नहीं, थोड़ा रुको, अभी देखिए बाल अभी 75%, ओके, अभी देखिए अभी बाल फूल हमारा 100% ओपन है, ठीक है, ओके, हाँ ज़ीरो, ओके, फिर अब मैं आपको ज़ीरो करके दिखाता हूँ, ठीक है,
या इसका स्केल ऊपर ही है, तो इसलिए आपको थोड़ा नज़र आने के लिए मुश्किल होता है। फिर बैक साइड में इसका एक लिमिट स्विच है, वो भी हम आपको दिखाएगा, ठीक है। वेट करो, है मैं लिमिट से देखा आता हूँ, वेट करो। अभी हमारा बाल अभी फुली ओपन है, 100% है। देखिए इसकी इसमें एक लिमिट स्विच है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं लिमिट स्विच अभी फुली ओपन है, ठीक है। लिमिट स्विच अभी ओपन नहीं है, यहाँ पे नंबर में एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो फिर आपको 0 का 0। ओके, अभी आप लोग देखिएगा, अभी हम इसको 0 करता हूँ। ओके, 0 0, तो देखिए बाल अभी क्लोज हो जाएगा। ओके दे, ओके, अभी देखिए बाल अभी फुल क्लोज हो गया, ठीक है, बाल अभी क्लोज हो गया। तो फिर ये हमारा जो हीटर है ना, फार्नेस, ये फार्नेस, ये हमारा फार्नेस का लाइन में लगा हुआ है, ये हमारा फार्नेस का लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। ये डंपर बल्ब, ये यहाँ पे एक पंप है, ठीक है, पंप का उस साइड में जो ये फैन किस लिए, हमारा नेचुरल एयर के लिए, ठीक है। ये पंप हमारा नेचुरल एयर के लिए यूज़ कर रहा है, तो नेचुरल एयर कितना परसेंट चाहिए उसी हिसाब से हमारा डंपर वाल को ऑपरेट करेगा, ठीक है। ओके, तो फिर अभी हम इसको अभी मैनुअल में ही है, हम इसको ऑटो कर देता हूँ। ऑटो कर देगा तो इसका जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटो करने के लिए हमको यहाँ पे प्रेस करने का रखने का 3 सेकेंड। ओके, हो गया। अभी देखिए बल्ब अभी हमारा 50% में चला गया, मतलब इसका जो नॉर्मली है अभी जो जिससे जो कॉमन दे के रखा है वो 50% में, ठीक है। इसलिए अभी हमारा बल्ब अभी 50% में। अभी हम आपको दिखाएगा एयर फेल और फेल दिखाएगा, एयर फेल दिखाएगा। अभी देखिए हमारा बल्ब 49.6%। ओके ओके, एयर फेल करो, अभी एयर फेल आपको दिखाएगा, एयर फेल बल्ब हमारा। एयर फेल, ओके, देखिए एयर फेल किया, बल्ब हमें हमारा 49% पे ही है, वहाँ पे भी हमारा 50 पे ही बल्ब, ठीक है, बल्ब अभी 50 पे ही। यह लाइनअप करते हो, यह लाइनअप, यह लाइनअप करेगा, यह लाइनअप करेगा तो ये बाल हमारा 50 में ही है, ठीक है, क्योंकि वो फेल तो होल्ड है, वो स्टॉक बाल्ब है, ठीक है। अभी हमारा इसको हो गया, अभी हम आपको पावर फेल करके दिखाता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर दो, नहीं रुको रुको। ओके, हम JVC इसका पावर फेल करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा नीचे है इसका टर्मिनल, JVC इसका पावर फेल करेगा। ये हमारा टैग नंबर है PV9084, इसके हम पावर फिल करते हैं। जी, इसको पावर फिल कर दिया, पावर फिल किया तो देखिए बल्ब हमारा 50 पे ही है। ठीक है, बल्ब हमारा 50 पे ही है, यहाँ पे देखिए। ओ, पावर फिल करता तो इसके डिस्प्ले का तो पावर चला गया, डिस्प्ले का पावर चला गया, लेकिन बल्ब मैनुअली बाल हमारा 50 पे है, ठीक है, मैनुअली हमारा बाल 50 पे है। ओके, तो फिर व्यूअर्स आज इतना तय किए, बाद में आप लोग के साथ बात करेगा, फिर दूसरा कोई ट्रांसमीटर लेके कोई बल्ब लेके आप लोग का सामने आएगा। तब तक आप लोग अच्छा रहिए और हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करके फुल वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।